हमारे साथ मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पॉल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुरेंद्र जी, क्योंकि काफी सालों बाद इस तरह देखा जा रहा है कि गर्मी दोबारा से बढ़ी है, टेम्परेचर 37 से ऊपर जा चुका है, कारण क्या है? देखिए, मुख्य बात तो यह है कि मॉनसून में ये होता है कि एटमोसफेयर में डस्ट जो है वो लगभग सेटल हो जाती है, क्योंकि बारिश से और विंड से नीचे आ जाती है। तो उससे, क्योंकि पिछले आप 3 दिनों से देख रहे हैं, 4 दिनों से कि मॉनसून कमजोर है, तो जो सनलाइट है वो डायरेक्ट आ रही है और उसका जो है टेम्परेचर बढ़ने का रेट बढ़ जाता है, उससे तो तापमान भी बढ़ रहे हैं। जहां तक तापमान के रिकॉर्ड्स की बात है, तो चंडीगढ़ शहर में जहां आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहां ये जो है 2009 के बाद मतलब हाईएस्ट हो गया, तो यहां का रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो गया पिछले 14 साल में। जो हम एयरपोर्ट पे ऑब्जर्व करते हैं, वहां पे 87 में 38 गया था, लेकिन वहां भी 37 प्लस चला गया है। तो डेफिनेटली कारण ये है कि एक तो तापमान ज्यादा है, पिछले कुछ दिनों से क्लियर सनी डेज हैं। दूसरा ये है कि सरफेस पे, लोअर लेवल पे कुछ पूर्वी दिशा से हवाएं आती हैं, तो होता यह है कि वो मॉइस्चर भी लाती हैं। तो हमें दो चीजें हैं, एक तो तापमान ज्यादा है, एक ह्यूमिड ज्यादा है। उसकी वजह से पिछले 2 से 3 दिनों में कुछ गर्मी फील हो रही है, एसी फिर से एक तरह से हमें जरूरत लग रही है। तो एक ट्रांजिशन है, लेकिन अभी फिर से मानसून का कुछ असर अभी कल से आप देखेंगे कि कुछ क्लाउड फॉर्मेशन आ जाएगा। 26-27 में फिर आपको कुछ एरियाज में लाइट रेनफॉल जो है स्कैटर्ड पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में, वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह नहीं, मॉनसून है, पश्चिम विक्षोभ अब नहीं है, अब मॉनसून है, लो लेवल पे ईस्टर्लीज है, उनका असर है, और एक बे ऑफ बंगाल से लो प्रेशर एरिया बन रहा है, उसका भी असर होगा। इन दोनों की वजह से जो है आप देखेंगे चेंज आएगा, और उसके बाद फिर तापमान में आप देखेंगे कि कमी होगी, क्योंकि उसके एडज्वाइनिंग हिमाचल प्रदेश में कुछ वेदर है, तो उससे फर्क पड़ेगा। तो सर, क्योंकि अब अक्टूबर आने वाला है, लास्ट वीक रह गए, जो तो कह सकते हैं, जैसे आपने बताया 2009 के बाद इस तरह से जो है, तो कहीं ना कहीं काफी कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। मॉनसून कमजोर है, यही कारण रहा है? नहीं, ये तो नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि एक तो चीजें एक्सट्रीम तो बढ़ ही रहे हैं, और जो वेदर पैटर्न है उसमें बदलाव आप देख रहे हैं कि मॉनसून अब अक्टूबर में लगभग पहुंच रहा है विड्रॉल पे, तो उसके बीच में जो मॉनसून के बीच में जो बदलाव आप देखते हैं, तेज बारिशें और कई बार जो है ड्राई स्पेल जैसी चीजें हैं, या बहुत तेज बारिश थोड़े समय में, ये एक तरह से जलवायु परिवर्तन का और ओवरऑल जो हम तापमान बढ़ने की वजह से देख रहे हैं वो स्वाभाविक है, और उसी का ही मुझे लगता है एक तरह से ये भी फीचर्स जो है हमें देखने को। अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, पंजाब की, हरियाणा की, आने वाले दिनों में सभी जगह मौसम में काफी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? हाँ, देखिए, काफी जगह पे मिलेगा। चेंजेस का तात्पर्य है कि क्लाउड वगैरह आपको डेफिनेटली मिलेंगे, तापमान मैक्सिमम टेम्परेचर में कुछ कमी आएगी, कुछ डिप करेंगे, और उससे जो एक गर्मी जो लगी हुई है ज्यादा, जो आप देख रहे हैं कि कुछ ज्यादा हो रही है गर्मी कुछ दिनों से, उसमें डेफिनेटली कुछ रिलीफ मिलेगा और मुझे लगता है बेहतर सिचुएशन हो जाएगी। अक्टूबर की अगर हम बात करें, क्योंकि मॉनसून इसी महीने विड्रॉ हो रहा है, खत्म हो रहा है, आने वाले दिनों में अक्टूबर की अगर हम बात करें तो कुछ राहत? हाँ, देखिए, उसमें अक्टूबर में जनरली ये होता है कि नॉर्थ वेस्टली हवाएं आती हैं, तो उसे फर्क पड़ता है। एक तो नॉर्थ से हवाएं आती हैं तो वो माउंटेन से आती हैं, तो वो टेम्परेचर को कम करती हैं। वो एक क्लाइमेटोलॉजी है, एक रूटीन पैटर्न है वेदर के जो अक्टूबर में हम देखते हैं, वैसे संभावित है, लेकिन कई बार मॉनसून भी एक्सटेंड कर जाता है। मैं ये नहीं कहता कि मॉनसून रहेगा हर जगह, लेकिन मॉनसून का कुछ रेमिनेंट ऑफ द मॉनसून, जैसे कुछ हवाएं प्रवेश कर सकती हैं, उससे कुछ जो है फर्स्ट वीक में बारिश भी हो सकती है। तो क्योंकि आप चेंजेस तो कई सालों से देख रहे हैं कि मॉनसून जो है लंबा चलता है।